हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि आपको हर वीकेंड पे एक नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, तो दोस्त चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने पेश हूँ। और आज आपको मैं, जैसे कि आपने हेडिंग में पढ़ा होगा, मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे FX लिखा रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको बिल्ट इन बहुत सारे इंडिकेटर दिख जाएंगे। दोस्तों दोस्तों, मैंने इसमें से अराउंड 70 to 80% सारे इंडिकेटर यूज़ करके देख लिए। मैं आपको हर इंडिकेटर के बारे में बता भी सकता हूँ कौन क्या वर्क करता है, पर नहीं दोस्तों, मैं आपके लिए ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, मैं आपको आपके लिए उसको ईजी करूँगा। तो दोस्तों, जो सबसे मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है, वो लगता है हमें, एक सेकेंड, जो दोस्तों मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर है वो लगता है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। दोस्तों, ये आपने बहुत, मतलब बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि लोग इसको बताते हैं, पर तो उनका थोड़ा सा मेरे को बताने का तरीका गलत लगा, इसलिए दोस्तों मैं इसको आपके सामने लेके आया हूँ दोबारे। होप कि आप इसको समझ पाएंगे। पर दोस्तों, इसको समझने के लिए, जो पिछले वीकेंड में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने सिखाया था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का, जो प्राइस का चलने का तरीका होता है, प्राइस एक्शन कैसे होता है, क्या उसका मूव करने का तरीका होता है, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको, आपको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो पहले वो वीडियो जाके देखिए, उससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उसके लिंक वीडियो के एंड में डाल दूंगा और अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप कहीं भी जाके उसको देखिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखना चालू करिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने EMA पे क्लिक करा तो ये लाइन बन के आ गई एक। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है 200। ठीक है दोस्तों, अब 200 लिखने के बाद, कलर तो आप खैर कुछ भी चूज कर लीजिए, मैं थोड़ी सी लाइन को डार्क कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये हमें क्या बता सकता है दोस्तों, और इससे हमें क्या कन्फर्मेशंस मिलती हैं। दोस्तों, पहली बात तो आप मेरी ये लिख के ले लीजिए, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी लोगों को बताता रहता हूँ कि प्राइस एक्शन इज गॉड, इंडिकेटर्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है दोस्तों, ये बात मेरी याद रखना कि जो प्राइस एक्शन है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्ट, प्राइस एक्शन जो गॉड है, इंडिकेटर सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है। जो प्राइस में हो रहा होता है वो इंडिकेटर बताता है, जो होने वाला है वो कभी इंडिकेटर नहीं बताता, बस हमें कभी कभी थोड़ा आइडिया दे देता है कि क्या हो सकता है प्राइस में दोस्तों, क्योंकि जैसे आप मार्केट जानते हैं, प्रोबेबिलिटी पे ही वर्क करता है। दोस्तों, अब जैसे कि हम इसको देखेंगे, ये हमने EMA प्लॉट कर दिया इधर, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखिए, क्या EMA का, जो आपको मैं मतलब बता दूं पहले, EMA स्लोप, EMA की लाइन ये है, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो मतलब बाय है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों, और अगर नीचे की तरफ है तो वो हमारे लिए सेल है। ठीक है, समझ गए दोस्तों आप? अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे से देखेंगे दोस्तों इसको। और दोस्तों, मैं आपको इसको बाद में ये बताऊंगा कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये EMA पे ही सपोर्ट लेके ऊपर उठ गया, वापस आया, फिर वापस EMA पे सपोर्ट लेके उठा, फिर थोड़ा सा वापस नीचे आया, फिर ऊपर उठा। दोस्तों, क्या मैं कह रहा हूँ, कह सकता हूँ कि ये EMA जो है वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। फिर जब ये टूटा, टूटने के बाद इसने रेजिस्टेंस फेस करा,
फिर वापस नीचे चला गया ये। अब इसके लिए लाइन रेसिस्टेंस का काम भी कर रही है। फिर ऊपर गया, फिर देखो फिर नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, ये एक काम बता दिया मैंने आपको उसका। फिर एक चीज़ और देखिए कि इसका ईएमए बिल्कुल सीधा है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइस आप देख पा रहे हैं कि कहीं जा ही नहीं रहा, एक ही रेंज में घूम रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर ईएमए ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है तो वो हमारे लिए अप ट्रेंड है, अगर नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है तो वो हमारे लिए डाउन ट्रेंड है, और अगर सीधा है ना बिल्कुल कहीं मतलब स्लोप ही नहीं कर रहा हो तो वो दोस्तों हमारे लिए साइडवेज है। समझे दोस्तों आप? अब आप देखिए दोस्तों, ईएमए हमें क्या क्या चीज बता रहा है। मैंने ईएमए हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बताता है। फिर उसके बाद ईएमए हमें क्या बता रहा है, दूसरी चीज जो ईएमए हमें बता रहा है कि ट्रेंड की डायरेक्शन हमें बता रहा है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर हमें ट्रेंड की डायरेक्शन ही नहीं पता होगी, हम अगर ट्रेंड के अपोजिट साइड ट्रेड करेंगे तो दोस्तों हमें लॉस तो होना ही होना है। क्योंकि मैं भी आपसे शुरू से यही चीज़ कहता हूँ कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों पहली वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगी कि क्यों ये सब मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वर्क कर रहा है और हमें ट्रेंड की डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद, जो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, ट्रेंड लाइन या ईएमए के बाद टूटने के बाद, देख रहे स्टॉक कितना अच्छा ऊपर गया। फिर हम अगर आगे देखेंगे तो इसने एग्जैक्ट हमारे ईएमए के पास से ही आके रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करी और ऊपर चला गया। पर जब ये नीचे टूटा तो आप देख पा रहे कि रेजिस्टेंस की तरह फेस हो रहा था इसको ईएमए। ये देखिए, यहाँ देखिए, है ना दोस्तों। अब फिर उसके बाद ये नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट की तरह फेस हुआ इसको, फिर ऊपर गया। दोस्तों अब जो ईएमए है, अब मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को, मैं इजीली आपको एक चीज़ बताऊँगा। दोस्तों कोई भी इंडिकेटर हमारे लिए कुछ काम नहीं आने वाले। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैंने मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर की वीडियो क्यों बनाई। दोस्तों मैंने मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर की वीडियो ये इसलिए बनाई क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर लिया अभी तक। दोस्तों ये देखिए, मोस्ट ऑफ द जितने भी है ना इनमें मैंने आधे से ज़्यादा इस्तेमाल कर रखे हैं, तो मेरे को दोस्तों कोई भी फायदा नहीं हुआ किसी को भी इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करके। ईएमए से मेरे को क्या फायदा हुआ, क्यों मैं इसको पावरफुल मानता हूँ। ईएमए से दोस्तों मेरे को एक सेकेंडरी कन्फर्मेशन मिल जाती है, समझे। अब ईएमए से मेरे को सेकेंडरी कन्फर्मेशन कैसे मिलती है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है पहले वाली, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस जब भी नीचे आ रहा है तो हम इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे अपनी। ठीक है, जैसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे तो ये तो दिन की कैंडल है। सॉरी, पहले हम ये चीज़ देखते हैं दोस्तों कि ये शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें ये चीज़ बताता है, नहीं बताता। उसके बाद मैं आपको ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, किसी डायरेक्शन में स्लोप कर रहा है ये, सिर्फ सीधा है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा स्टॉक भी आप देख रहे हो किस तरफ ही घूम रहा है, साइडवेज। ठीक है दोस्तों, क्या इसने हमें बता दिया पहले कि ये क्या काम कर रहा है। अब आप देखिए, प्राइस इसके नीचे था। ठीक है, क्या ईएमए इसको बार बार रेसिस्टेंस के रूप में फेस हो रहा था, रेसिस्टेंस के रूप में फेस हो रहा था नीचे, बार बार सब रेजिस्टेंस के साइड में आके नीचे जा रहा था, नीचे गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। ठीक है, फिर नीचे आया, ये देखिए आप, नीचे ही आता रहा। पर जब इसने इसको ब्रेक करा तो यहाँ पे सपोर्ट फेस करी और ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, और एग्जैक्ट इसी ईएमए को इसने एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस करा, है ना दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें इजिली वर्क करके दे रहा है। अब मैं इसमें ट्रेड कैसे करना है, मेरे को क्या इसमें फायदा लगता है इसको यूज करने में, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करिए, ठीक है। तो मैंने अपनी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। ट्रेंड लाइन बना के पहली कंफर्मेशन मिली, मेरी ट्रेंड लाइन टूटी। दोस्तों ये मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ वैसे तो आपको अभी, ठीक है। मेरी ट्रेंड लाइन टूटी। दूसरी कंफर्मेशन, EMA नीचे है, नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी जो है, मेरे अंदर का विन रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया। मैं इसमें अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो और अच्छा कर सकता हूँ। तीसरा, यहाँ से इसने रिजेक्शन फेस करी थी जब जाके नीचे आया है। तो दोस्तों मेरे पास तीन तीन कंफर्मेशन आ गए कि अब ये स्टॉक नीचे की तरफ ही जाएगा, इसकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने इसमें ट्रेड लिया और 1:1.5 का टारगेट रखा अपना, और इजिली अचीव भी हुआ। और 1:1.5 का टारगेट रखने में भी EMA ने हमें अच्छी खासी हेल्प करी। ये देखिए दोस्तों, मैंने एग्जैक्ट EMA के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। 1:5 से तो ज़्यादा ही मिल गया दोस्तों हमको, खैर ठीक है। पर कोई नहीं, मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैं इसको हटा दूँ। EMA ने हमें हमारा स्टॉप लॉस लगाने में भी हेल्प करी, EMA ने हमें दो कन्फर्मेशन दिलाने में भी हेल्प करी, और EMA ने हमें ट्रेंड की डायरेक्शन बताने में भी फेस करी, जिससे बताई हमें जिससे हमें इजीली अपने टारगेट्स अचीव हुए। देख पा रहे हैं ना आप दोस्तों, मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं लगाई। फिर हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, ये तो खैर दोस्तों बिल्कुल सीधी ट्रेंड लाइन थी। मैंने आपको जैसे अपनी वीडियो में बनाया बताया कि ऐसी सीधी ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, और ये ब्रेक हो गई थी। देखिए एक दिन पहले ब्रेक हो गई थी, थोड़ा सा ऊपर आएगी, हाँ ये एक दिन पहले ही पूरी ब्रेक हो गई थी, और ट्रेंड की डायरेक्शन भी EMA की डायरेक्शन जो थी वो नीचे की तरफ थी, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे अगर सेल करके होल्ड कर लिया होता तो अगले दिन देखो मार्केट कितना नीचे गैप डाउन खुला, और हमें इजिली अपने टारगेट अचीव भी हुए। तो दोस्तों EMA ने हमें कितनी हेल्प करी आपने अपनी आंखों से देखा। अब मैं आप सोचोगे कि मैं सिर्फ मतलब एक ही स्टॉक क्यों दिखा रहा हूँ, दूसरा क्यों नहीं दिखा रहा। अब मैं आपको पहले एक चीज़ और दिखा दूँ, फिर हम दूसरे स्टॉक्स में भी देखेंगे। ये देखिए, इसने EMA को तोड़ा, ठीक है, EMA को तोड़ा। हमने अपनी इसमें ट्रेंड लाइन बनाई कि ये इसको तोड़ेगा, हम नीचे सेल कर देंगे, और पर EMA की डायरेक्शन भी हमारे नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए EMA की डायरेक्शन हमारे नेगेटिव, ऊपर से इसने ट्रेंड लाइन को भी नहीं तोड़ा और ऊपर चला गया वापस। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या हमें EMA ने एक फॉल्स ब्रेकआउट, नकली ब्रेकआउट से और लॉस से बचा लिया, है ना दोस्तों। तो इसीलिए हम इसको ट्रेड EMA को मैं मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर मानता हूँ, और सिर्फ अपने चार्ट पे EMA को EMA और एक इंडिकेटर और है, वो मैं आपको अपने दोबारे और अच्छे से बताऊंगा हर चीज़ के बारे में, ठीक है। इन जा दो तीन इंडिकेटर को ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर मैं दोस्तों प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करता हूँ। क्योंकि एक चीज़ बताइए, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है जब भी, तो EMA भी ऊपर जा रहा है। अगर ये स्टॉक नीचे चले जाता इसको तोड़ के, चलो ये मान लो यहाँ से नीचे चले जाता, तो क्या ये EMA ऊपर जाता? नहीं दोस्तों, ये भी नीचे आता। तो जो प्राइस हो रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, EMA उसको जस्ट फॉलो कर रहा है, समझे दोस्तों। हम इसको सिर्फ एक कन्फर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं कि हमें अपने स्टॉक में कन्फर्मेशन मिलती रहे। हमने अपनी कन्फर्मेशन ली, बस EMA का काम खत्म। अब दोस्तों हम इसके ऊपर डिपेंड होकर नहीं बैठ जाएंगे कि अगर हमने EMA के ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है तो कहीं भी बाय कर लो, यहाँ पे बाय कर लो, तो दोस्तों उससे तो आप लॉस ही करोगे, समझे। ऐसा तो दोस्तों कहीं भी नहीं होता कि आप सिर्फ इंडिकेटर को देख के बाय सेल करो, आपको प्राइस एक्शन जज करना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों अगले स्टॉक, एक आध स्टॉक को और देख लेते हैं, निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी देखे, बजाज फाइनेंस भी, कोई भी देख लो दोस्तों, निफ्टी देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस के बाद देख लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं जिससे वीडियो लंबी भी ना बने। क्योंकि दोस्तों हमारा वीडियो, जैसे मैं देखता हूँ हमारी वीडियो कोई ज़्यादा देखता नहीं है, स्किप कर करके देखते हैं। जैसे कि मैं डेली अपनी उसकी एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ, स्किप करके लोग सिर्फ स्टॉक के नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है, और लॉस करवा के फिर हमें ब्लेम देते हैं कि आपकी वजह से हमारा लॉस हुआ। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो,
आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं उसमें बारीकी से हर चीज़ के बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इसमें तो खैर कोई ट्रेन लाइन ही नहीं बन रही थी हमारी, जो ब्रेक होती तो हम इसको अवॉइड करते, पर ट्रेंड की डायरेक्शन कहाँ थी, है ना? ट्रेंड की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ थी, ऊपर से कोई यहाँ ट्रेंड लाइन भी नहीं बन पा रही थी हमारी, तो हम स्ट्रेट को हमने लिया ही नहीं। और देखते हैं थोड़ा सा पीछे, ये देख लेते हैं दोस्तों, है ना? क्या दिख रहा है आपको दोस्तों इसमें? प्राइस बिल्कुल, हमारा जो ईएमए बिल्कुल सीधा स्लोप दे रहा है, तो इसका मतलब हमें अपसाइड और डाउनसाइड कहीं पे ट्रेड लेना चाहिए? दोस्तों हम इसमें सिर्फ फंसेंगे ही, हमारा लॉस ही होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना सिर्फ थोड़ा प्राइस एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी ज़्यादातर दिनों में काम नहीं आया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कन्फर्मेशन मिलेगा, दो कन्फर्मेशन, तीन कन्फर्मेशन मैं एनी टाइम लेता ही हूँ दोस्तों, कोई भी ट्रेड लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, ईएमए पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करा, तो मैंने इसको शॉर्ट करा होगा, और नीचे हमारा 1:1.5 पे टारगेट मिला। हमने अपना स्टॉप लॉस ईएमए के जस्ट कहीं ऊपर यहाँ कहीं लगाया होगा, जो हमें अच्छा प्रॉफिट करवा गया। फिर उसके बाद ये एक और बनी, हमने अपनी ट्रेंड वो ट्रेंड लाइन बनाई होती, इस बार ये नीचा नहीं जाएगा, ऊपर ही चला गया, देख पा रहे हैं ना आप दोस्तों? फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कहीं पर अपनी ऐसे ट्रेंड लाइन बनाई होती, ब्रेक ऊपर देने की जगह नीचे ब्रेक दे दिया इसने, तो ईएमए ने हमें फॉल्स, मतलब नकली बाय करने से, जिससे हमारा लॉस हो, ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट से बचा लिया इजीली, है ना दोस्तों? थोड़ा सा और पीछे देखते हैं, यहीं से इसको सपोर्ट फेस हुई, है ना, ऊपर गया, हम अपनी ट्रेंड लाइन बनाते, उसके बाद इसको ट्रेड करते। यहाँ पे ये बनाई हमने, ब्रेकआउट हुआ और ऊपर हमने अच्छा ट्रेड बुक, प्रॉफिट बुक करा, नीचे आया था ये दोस्तों, ऊपर गया, तो ऊपर आने के बाद हम इसमें अपनी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ब्रेक होती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं होती तो नहीं करेंगे, है ना दोस्तों? हमेशा दोस्तों ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करिए, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होना कन्फर्म है, उसमें आपको कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बचा सकती दोस्तों। अब आप ये देखिए, यहीं पर ही इसको एज अ सपोर्ट फेस हो रहा है ईएमए, यहाँ पे भी ईएमए इसको सपोर्ट के रूप में फेस हुआ, है ना? और हम इसमें ट्रेड कब लेंगे, ब्रेकआउट तो दे दिया इसने, अगर ये हमारी ट्रेंड लाइन भी तोड़ेगा ना, इसने हमारी ट्रेंड लाइन भी तोड़ी, जब हम इसमें ट्रेड लेंगे, कहीं इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी हमारी, एक सेकेंड रुको, कहीं इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी? अब आप कहोगे दोस्तों कि आपने ऐसी क्यों बनाई, ऐसी क्यों नहीं बनाई? दोस्तों मैंने आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप हमारी पिछली वीडियो जाके देखिए, मैंने उसमें हर चीज़ बताई है दोस्तों। ट्रेंड लाइन अगर बिल्कुल अगर खड़ी है ना हमारी, तो हम उस ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा, समझे? ट्रेंड लाइन या तो हमेशा ऐसी होनी चाहिए 45 डिग्रीज के हिसाब की, या फिर थोड़ी सी और स्लाइट लेटी चल जाएगी थोड़ी सी, पर अगर ट्रेंड लाइन बिल्कुल ऐसे भी लेटी पड़ी है तब भी गलत है, ठीक है, और अगर ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी है जब भी गलत है। तो आई होप दोस्तों आज आपको हमारा ईएमए समझ आया होगा। मैं एक बारी बजाज फाइनेंस भी देख लेते हैं कि वो कैसा रोल प्ले कर रहा है। बजाज फाइनेंस, थोड़ा सा पीछे देखते हैं। ओहो, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्राइस ईएमए से कितना भी दूर चले जाए, उसको एक ना एक दिन ईएमए के पास आके ही सपोर्ट लेनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, समझे? ये बात याद रखना कि वो ईएमए के पास आएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको ईएमए के पास आना ही पड़ेगा, समझे दोस्तों? अब देख लेते हैं, ये देखिए कन्फर्मेशन देखते हैं, अब अपनी ई एम ए ने ये तोड़ी, ठीक है, ई एम ए ने हमारी ट्रेंड लाइन तोड़ी, और हमें क्या क्या कन्फर्मेशन मिली दोस्तों? पहली, नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरी, ट्रेंड लाइन तोड़ दी, तीसरी, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करा इसने, ठीक है, तो
दोस्तों तीन कंफर्मेशन तो बहुत अच्छी कंफर्मेशन है ट्रेड लेने के लिए। तो आप कंफर्म इस ट्रेड को लीजिए और अपना स्टॉप लॉस ईएमए के जस्ट ऊपर लगा के अपना 1:1.5 का टारगेट अचीव कीजिए। फिर एक और बार ऊपर गया, फिर अपनी एक ट्रेंड लाइन बनाइए, फिर ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड कीजिए, समझे दोस्तों। तो ईएमए जो दोस्तों सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं, फॉरेन मार्केट्स किसी भी मार्केट में हर जगह वर्क करता है दोस्तों ईएमए। इसलिए मैं इसको मोस्ट पावरफुल ईएमए मानता हूँ अपनी नज़रों में, क्योंकि दोस्तों मेरे को सिर्फ ट्रेड लेने के लिए मैं प्राइस एक्शन पे ही बिलीव करता हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन पे बिलीव करा मैंने, और प्राइस एक्शन पे बिलीव करके मैं सिर्फ इंडिकेटर्स को कंफर्मेशन के रूप में ट्रेड कर लेता हूँ कि ये सिर्फ कंफर्मेशन है मेरे लिए, ठीक है। अब इसमें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके हमने इसको सेल करा, नीचे आया अच्छा खासा। फिर एक और बनी, हमने यहाँ बनाया, अब नीचे आने की जगह ईएमए को तोड़ दिया इसने, तो हम एक फॉल्स सेल सिग्नल से बच गए, समझे दोस्तों। फिर ये ऊपर ही चलता चला गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अब ये नीचे आ गया। दोस्तों नीचे में इसमें आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप इसमें ट्रेंड लाइन बनाओगे अपनी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो करेंगे ट्रेड, नहीं होती तो नहीं बनेंगे करेंगे। ट्रेंड लाइन बनाने की पहली बात तो दोस्तों इसमें आपको कहीं जगह नहीं मिली, एक सिंपल ये पोजिशन मिल रही थी ये वाली, और इसमें कहीं से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद तो दोस्तों देखो साइडवेज दिख रहा है आपको, जैसे ही ऊपर हमारा जितना सीधा हमारा ऊपर का वो है पोर्शन, उतना ही सीधी हमारी ईएमए की लाइन भी चलती जा रही है। तो क्या ये हम कह सकते हैं साइडवेज मार्केट है और ईएमए हमें बताता हुआ आ रहा है? हाँ दोस्तों, ईएमए हमें पहले ही बताता हुआ आ रहा है कि ये साइडवेज मार्केट है, इसमें ट्रेड करना ही नहीं है हमें साइडवेज मार्केट में। हम आप सिर्फ अपना लॉस ही बुक करेंगे, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, तो कुछ पता ही नहीं लग पा रही दोस्तों हमें, है ना। तो इसमें तो ट्रेड करना करना ही बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड ट्रेंडी स्लोप में आ गया, फिर ये नीचे की तरफ, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा, ठीक है, और उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ईएमए रेजिस्टेंस के रूप में फेस हुआ। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस की तरफ फेस हो रहा था, पर उसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट देके इतनी अच्छी मूव दी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ईएमए वर्क करता है, समझे आप। ईएमए हमें सिर्फ कंफर्मेशन देता है, वरना हमें सिर्फ ट्रेड जो करना होता है वो प्राइस एक्शन पे ही करना होता है। तो आई होप दोस्तों आज आज आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी कल की एनालिसिस की वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो नीचे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री। थैंक यू गाइस।